हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजीत, आज हम रिव्यू करेंगे सिलेरियो VXI ऑप्शनल का। ये BS6 है और ये आगे से कुछ इस तरह यहाँ तो क्रोम इंसर्ट दी गई है। और ये इसके हेडलैम्प नॉर्मल एलोजन लाइट मिलेगी, इनमें प्रोजेक्टर नहीं मिलते। और इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगी। VXI ऑप्शनल वेरिएंट है। तो इसमें टायर साइज इसका 165/70R 14 इंच टायर मिलेंगे और इसमें व्हील कैप मिलेगी और ये फेंडर में इंडिकेटर मिलेगी इसमें। और ये ORVM इसका बॉडी कलर में मिलेगा, रेड डोर हैंडल इसके बॉडी कलर में मिलेगा। रियर में नॉर्मल बल्ब मिलेगा, इसमें LED टेल लाइट नहीं मिलेगी। जो ये सुजुकी बैजिंग और रियर पार्किंग सेंसर मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर मिलेगा इसमें। और ये सिलेरियो की बैजिंग तो यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं की से भी। और इसमें आपको CNG मिलेगी, 12 किलो का सिलेंडर मिलेगा इसमें। और पार्सल ट्रे मिलेगी इसमें और इसका स्टेयर व्हील भी सेम 165/70R 14 इंच टायर मिलेगा इसमें। थोड़ी स्पेस मिलती है और टोटल बूट स्पेस इसका 235 लीटर है। इसका हैंडल इसे पकड़ के आप बंद कर सकते हो। ये ब्रेक लाइट मिलेगी इसमें। तो यहाँ से आप CNG भरवा सकते हो, पेट्रोल भरवा सकते हो। 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी इसमें। तो इसको खोल के देखते हैं। ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी, राइट साइड घुमाएंगे तो अनलॉक, और दो बार घुमाएंगे तो अनलॉक हो जाएगी। आइए इंटीरियर दिखाता हूँ आपको। पावर विंडोज़ के कंट्रोल ही 4 पावर विंडो मिलेगी। ड्राइवर साइड 1 टच डाउन, और यहां से आप फ्यूल लिड खोल सकते हो। स्पीकर के लिए स्पेस दी गई है, बाहर से लगवाना पड़ेगा स्पीकर। और ये ORVM मैनुअल मिलेगा इसमें, मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो आप इसे। और ये AC वेंट क्रोम के साथ, और यहाँ पे कुछ स्पेस। और ये पेट्रोल टू CNG करने का स्विच। और ये हेडलाइट को हेडलाइट लेवल है। और ये वेंट्स, और यहाँ पे क्रोम मिलेगी आप।
एसी है कंट्रोल। इस वेरिएंट में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, आरसी लगवाना पड़ेगा, और यहाँ स्पेस, और ये 12 वी सॉकेट, ये ट्रांसमिशन मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ भी आती है। और एक कप होल्डर, स्पेस दी गई थोड़ी, ये हैंड ब्रेक, और आप बोतल रख सकते हो 1 लीटर की। और ये मैनुअल डे नाइट IRVM, और ये यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा आपको, और यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा आपको, ये रीडिंग लैंप, और ये कूल नहीं है, ये ग्लो बॉक्स नॉर्मल है, ये स्पेस दी गई यहाँ पे थोड़ी। और इसका हॉर्न, ये टैकोमीटर, ये स्पीडोमीटर, और ये MID डिजिटल, यहाँ पे CNG की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पे पेट्रोल की, और ये पेट्रोल टू CNG, CNG पे हो जाए तो ये यहाँ पे CNG आ जाएगी, पेट्रोल की वो लाइट चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे सीट बेल्ट वार्निंग, बैटरी लाइट, हैंड ब्रेक की लाइट, ये वाइपर के कंट्रोल, ये लाइट्स के कंट्रोल, तो आपको पीछे लेके चलता हूँ। स्पेस मिलेगी यहाँ पे, बोतल नहीं मिलेगी आपको इसमें, यहाँ पे मिलेगी आपको बोतल वोटर, 1/2 लीटर की बोतल आएगी यहाँ पे। और ये पावर विंडो का स्विच, ये इतनी स्पेस मिलेगी यहाँ पे, सीटें फैब्रिक मिलेगी, ये बाहर से करवाई हुई है, और ये रियर हेडरेस्ट मिलेगी इसमें, फिक्स मिलेगी, और आगे में भी फिक्स ही मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड, और खोल के दिखाता हूँ इंजन कंपार्टमेंट इसका। ये इसका इंजन 998 cc का इंजन, दो पावर बनाता है 67 bhp और 90 Nm का टॉर्क, और 60 bhp जो पावर बनाता है ये 2000 rpm पे, और 90 Nm का टॉर्क ये निकलता है 3500 rpm पे। तो CNG में ये पावर निकालती है, जो CNG में पावर निकलती है 58 bhp 6000 rpm पे, और 78 Nm का टॉर्क, और 78 Nm का टॉर्क 3500 rpm पे। पेट्रोल में इसका माइलेज 21 kmpl है, और CNG में इसका माइलेज है 30.47
किलोमीटर पर केजी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ रह गया हो तो माफ़ कर देना फ्रेंड्स।